नमस्कार, मैं अनीता शर्मा ते गल करदे आं लुधियाणा विखे होण जा रहे विकास कार्जां बारे। लुधियाणा दे हलका आत्म नगर विखे सड़कां दा निर्माण कार्ज शुरू होण जा रहा ते इलाका निवासियां दा कहना है कि यह निर्माण कार्ज लगभग 22 साल बाद शुरू हो रहा है। हर बार किसी न किसी कारण करके इस काम विच रुकावट आ जाती सी। इस मौके हलका विधायक सिमरजीत सिंह बैंस द्वारा निर्माण कार्ज की शुरुआत की गई तो उन्होंने ठेकेदारों के वड्डे सवाल भी खड़े किए। उन्होंने ठेकेदारों को आख्या कि जेकर कोई भी गलत मटीरियल की वरतों करेगा तो उन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये काम सत्कारयोग मान सम्मान आशीर्वाद लैके माता होरां तों यह विश्वकर्मा कलोनी की गली नंबर 7, 8, 9, 10, 12 ते 14 मतलब इस एस्टीमेट के ये गलियां ने RMC रेडीमिक्स कंक्रीट सीमेंट दी गलियां विधानसभा हलका आत्म नगर का कोटा। ये सत्कारयोग कौंसलर स्वर्णदीप सिंह चाल आत्म नगर च पेंदे वार्ड नंबर 50 दे कौंसलर आ, बड़ी तनदेही दे नाल काम नूं चंगे तरीके नाल पिछले हफ्ते असी उद्घाटन रख्या पर चाल साहब दे पसंद नहीं आया। ठेकेदार दे नाल वाहवा गर्मा गर्मी भी की थी, भी तू काम माड़ा करन लग्या। मेरा ख्याल है ये गली किन्ने साल बाद बन लगी माता? 22 साल बाद माता जी ने दस्या, मैं नहीं बोलिया, 22 साल बाद ये गली पंजाबी की कहावत है भी 12 साल बाद रूड़ी दी भी सुनी जाती है, तो 22 साल बाद। सो इस करके मैं इन्हां सत्कारयोग वड्डे छोटे वीरां दा सारी संगत दा ऋणी हाँ बड़ी हलीमी दे नाल। जे 22 साल गली चली मतलब साफ तो स्पष्ट है भी 22 साल पहला जो गली बनी होगी उदों इस गली दे वसनीकां ने अपनी देख रेख हेठ गली बनाई होगी, नगरानी हेठ ठेकेदार नूं कुंडी नहीं मारन दित्ती हो, तां ही 22 साल गली चली है। हुण उद्घाटन तां रसम है इक, पर असल मकसद की है? सत्कारयोग वसनीकां दे इकट्ठे होण दा मकसद आ भी भाई गली ध्यान नाल बनायो। घर दे विच मिस्त्री लाउंदे आ ना, चाहे 2 बोरियां दा ही काम करवाउणा होवे, सीमेंट दीआं 2 बोरियां लगनियां होण, पर मिस्त्री नूं 20 वारी टोकदे आ आपां भाई तू इटा नहीं तर कीतियां, तू चंगे तरीके ना सीमेंट नहीं मिक्स किया, तू चंगा गरमाला नहीं मार रहा, तू चंगा इहदा कंपैक्शन नहीं कर रहा। सो ये सारे दोस्त मैं देखे आप कई दोस्त हथी लग के भी लैवल आपो अपने मुर ला सही किया। अल्टीमेटली ये पैसे कि मेरे नहीं है, ये कौंसलर दे नहीं पैसे है, अल्टीमेटली पैसे लोगों के आ टैक्स द्वारा सरकारां नूं जांदे आ एंड वो डिवेलपमेंट लई हलका वाइज वार्ड वाइज आ जाते। अज मैं उन्होंने लोगों के भी थोड़ा जहा ये कह देव भी अफसोस हों भी ये करते की फिरते हैं जिन्हों का कित ना ही है नहीं, ना कौंसलर, ना MLA, ना मैंबर पार्लीमेंट, वो मोढ़े के उत्ते कई चक्की तुरे फिरते, हाथों से लड्डू के डब्बे फड़े हुए। हुण लोग सवाल करन लग गए, हुण लोग पुछते भी भाई तेरे को कोटा कितों आ गया, ये जी साढ़े मुख्यमंत्री ने भेजा। लोग सवाल करते भी तुहाडी पार्टी का मैंबर पार्लीमेंट आ, कल उहदे कोटे का काम BJP के लीडर कहण भी असी करना, क्योंकि प्रधानमंत्री तो लैके आया, ये मोदी को लोग सभा का मैंबर है, उतों पैसे लैके आया। सो ये हासोहीणी स्थिति है। कोई विधवा बीबी ना हाथ से चूड़ा पाँदी है तो ना मत्थे ते संदूर सिर च भुकदी है। जे विधवा भैन हाथ से चूड़ा पा लवे मत्थे दे उत्ते संदूर ला लवे फिर लोग कहिंदे उहनूं सदमा लग गया। इस सदमे दे विच बेचारी जिहड़ा अबल टबलियां ते आ गई, ये लोग सदमे दे विच आ, बार बार वोटर ने इहनां नूं नकारिया, माड़ी राजनीति करदे आ। ओ यार तुहाडा कोई पता नहीं, टिकाणा नहीं, तुसीं किन्ने वजे कित्थे बैठणा, लोकां दी बांह फसी हुंदी आ बेईमाना तंत्र दे गेड़ दे विच, फिर उत्थे आ बैठे जिहड़े दिन दे विच 12-12, 13-13 घंटे लोक इंसाफ पार्टी दे कौंसलर दफ्तर चलाउंदे आ बिगड़े तिगड़ियां नूं सिद्धे करन वास्ते। बेईमाना दा मूँह जिहड़ा खून लग्या रिश्वत लैणा उहनूं बंद करन वास्ते, लोकां दे काम बिना रिश्वत खोरी तों करवाउण वास्ते, इहदू पहलां मैं उद्घाटन करके आया सीधा वार्ड नंबर 32 लोहारे तों साडा कौंसलर आ सुखवीर सिंह एंड सारे कौंसलर जे कम करना सिखाया कौंसलर नूं शहर दे विच ते लोक इंसाफ पार्टी के कौंसलर ने सिखाया। मैं फिर कहना मेरी भी ड्यूटी है, ये सत्कारयोग इलाका निवासियों की भी ड्यूटी है, क्वालिटी च कंप्रोमाइज़ नहीं होन देना। मैनू कुछ कह लैन, यह मैं कदे परवाह ही नहीं मारी किसी की,
जिथे क्वालिटी माड़ी होगी मतलब नहीं वह ठेकेदार पेमेंट लै जाए, क्वालिटी चंगी करो। उस ठेकेदार का माण सत्कार उन्हूं सरोपा पा के ऑनर भी करांगे, पर जिथे ठेकेदार कैंची चलाऊगा ना वो ठगी ते कैंची बर्दाश्त नहीं। वो फिर चाहे मैं चंडीगढ़ सैकटरी वाला दरवाजा दफ्तर का खोलना पवे, मैं वो भी खोलना आता तो ठेकेदार कितना पेमेंट लै जूगा, मैं ये गल्ला इंश्योर करनी आदियाँ ने। यह साढ़े सरदार सिमरजीत सिंह बैर की कृपा जी, समूह इलाका निवासियों की कृपा नाल 22 साल तो गली नहीं सी बनी। ये गली दी दा 62 लाख रुपए का काम है जी, जिहड़ा कि पहला 14 नंबर बन चुकी आ, अज 12 का शुरू आ, तो इस बाद 10, 9, 8, 7 शुरू करांगे एक एक गली। ये गली दे विच सानू जरूर 4 महीने लग गए, क्योंकि ये सीवरेज की समस्या थी। असीं 2 मेन हॉल नवे बनाए ने, क्योंकि हुण साडी पॉलिसी है भी जिथे भी असीं सड़क बनाउणी आ, जे उत्थे कोई सीवरेज की कोई होर समस्या, पहलां असीं उस समस्या का हल करना फिर उस गली नूं बनाउणा। तो बैंस साहब की कृपा जी, असीं अज जो मर्जी कुछ कहीए जी, लोग बोलते हैं जिहड़े अजकल वड्डे वड्डे लीडर बने फिरदे ने, उहनां नूं पुछो भी तुहाडी औकात की है जी, कौन जाणदा सी उहनां नूं 2007 दे विच बैंस साहब दे सिर ते हथ रख्या ਤਾਂ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਜਿਤਾਈ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦੇਵੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਟੱਕਰ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਰਾ ਬੰਨਿਆ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਆਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੀ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਲਿਆ ਏ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, MLA ਆ, ਕੌਂਸਲਰ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਟੇ 'ਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ ਵੇਟ ਲੂਸ, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478484087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478484087।